सबसे पहले एक सॉक्स लीजिए, सॉक्स को कट कर लीजिए। कट करने के बाद जहाँ से काटे हैं वहीं पर एक धागा बांध लीजिए। धागा बांधने के बाद उस धागे से जो धागा बचा उसको काट लीजिए। काट करने के बाद उस पर एक चैन पर ग्लू लगाइए और चैन पर ग्लू लगाने के बाद उस सॉक्स पर अच्छे से सावधानीपूर्वक चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद बीच से कट कर दीजिए। बीच से कट करने के बाद उसको पलटा दीजिए। पलटाने के बाद इस प्रकार से हमारा घरेलू और बहुत सरल तरीके से हमारा किट तैयार होता है।